रामायण एक ऐसा शब्द जो हर भारतीय जनमानस की संस्कृति का अटूट अंग है, एक ऐसा एहसास जिसकी संपूर्ति शायद ही कभी संभव है। नमस्कार, इस पावन बेला के शुभ अवसर पर आज मैं आपके समक्ष एक नए अवसर के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। योर गेम्स फाउंडेशन प्रेजेंट्स अक्टूबर आर्ट्स ड्राइंग कॉन्टेस्ट थीम रामायण अवार्ड्स एंड प्राइजेस। ओके, फर्स्ट वन, टॉप थ्री बेस्ट पार्टिसिपेंट्स विल गेट एन एक्साइटिंग गिफ्ट। सेकंड वन, विनर्स विल गेट मेरिट ई सर्टिफिकेट। एंड लास्ट वन, ईच पार्टिसिपेंट विल गेट ई सर्टिफिकेट। एंड दैट्स वेरी नाइस। अब मैं कुछ जनरल ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स यहां पे रिप्लाई करने वाली हूं जिनका पर्टिकुलर आंसर आप अवश्य ही जानना चाहेंगे। व्हाट इज द साइज ऑफ द आर्ट वर्क? द आर्ट वर्क टू बी सबमिटेड कैन बी टू साइजेस, A4 और A3, बोथ साइजेस में अपना सबमिशन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इन्होंने पर्टिकुलर डायमेंशंस दिए कि A4 में पर्टिकुलर क्या डायमेंशन होगा एंड A3 में पर्टिकुलर क्या डायमेंशंस रहेगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाट शुड आई मेंशन ऑन माय वर्क? यू मस्ट राइट योर नेम, डेट ऑफ क्रिएशन एंड थीम। आपको अपनी क्रिएशन के साथ अपना नेम की और किस पर्टिकुलर डेट को आपने उसे क्रिएट किया एंड थीम ऑन योर आर्ट वर्क, कि आपके आर्ट वर्क का पर्टिकुलर रिगार्डिंग थीम क्या है। व्हाट मीडियम कैन बी यूज्ड फॉर द पेंटिंग्स और ड्राइंग्स? ओके, एंड आंसर इज यू कैन यूज एनी मीडियम ऑफ योर चॉइस। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ मीडियम एंड टूल्स। इट कुड बी रेगुलर पेंसिल्स, कलर्ड पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल, चारकोल, क्रियॉन्स, स्केच पेंस, ऑयल पेस्टल्स, वाटर कलर्स एंड एसेट्रा एंड एसेट्रा। तो आप चाहे तो इसकी मोर डिटेल्स के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाउ मेनी एंट्रीज कैन आई सबमिट टू दिस कंपटीशन? ईच पार्टिसिपेंट कैन सबमिट ए मैक्सिमम ऑफ 10 एंट्रीज। वाओ, थीम पर ही आधारित होनी चाहिए, चाहे आप एक एंट्री सेंड करें या 10 एंट्री सेंड करें, लेकिन वो थीम पर ही आधारित होगी तभी एक्सेप्टेबल होगी। इजंट इट? सो यू हैव द टोटल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लास्ट ऑफ ऑल बट नॉट लिस्ट, रिगार्डिंग लास्ट डेट ऑफ सबमिशन विल बी October 31st, 2020। वस्तुतः रामायण जिंदगी का एक अलग चित्रण प्रस्तुत करती है और बताती है कि कैसे अंत में बुराई पर अच्छाई की ही जीत संभव होती है। और इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। जय श्री राम।